नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात अब कंट्रोल में हैं। लगातार तीसरे दिन 1,00,000 से कम संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 94,052 नए कोरोना केस आए हैं और 6,148 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,51,367 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि बीते दिन 63,463 एक्टिव केस सामने आए हैं और इससे पहले मंगलवार को 92,596 केस दर्ज किए गए थे। वहीं आज देश में लगातार 28वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 9 जून तक देश भर में 24,27,26,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 33,89,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। तो अभिषेक जी, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? अब बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, भारत में कोरोना की महामारी के बिगड़े हालात अब कंट्रोल में है। आज लगातार तीसरे दिन 1,00,000 से कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंकड़े 12,000 से 10,000 के बीच में आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि महामारी काफी कंट्रोल में है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24,552 नए कोरोना के केस आए हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफी कम है। वहीं लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14,000 से 12,000 आंकड़े महज 2 दिन में गिरे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। जी बताएं अभिषेक, क्या लगता है किस तरीके से तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब सेकेंड वेव की बात करें तो वो कम होती जा रही है, तीसरी लहर को लेकर खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि खासकर बच्चों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है सरकार किस तरह से तैयारी में है? बिल्कुल आपको बताते हैं, तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए तमाम ऐसी बैठकें की जा रही हैं और सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों में PSICU NSICU वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि खाली लखनऊ में अगर बात करें तो KGMU के 100 बेड बनाए गए हैं, SGPGI में 5 PSICU बेड बनाए गए हैं और AIRA मेडिकल कॉलेज में 100 हैं और तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में भी जितने CSC हैं उनमें ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जहां ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। तो सरकार पूरी तरह से तैयारी है कि तीसरी लहर को आने से पहले ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि जो बच्चों पे हावी हो, और साथ ही साथ अभिभावकों को भारी मात्रा में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना उचित होगा कि सरकार पूरी तरह से तीसरी लहर के लिए तैयार है। जी अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ अभिषेक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार मिशन मोड पर है और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ जो प्लान्स हैं वो तैयार हैं। आपको बता दें 9 जून तक देश भर में 24,27,26,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 33,89,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन की बात करें तो करीब 20,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% तक ज्यादा रहा है। खैर, बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लगभग 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार लगभग 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झोंके भी चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तेज बारिश होने की वजह से लोगों को राहत मिली है। पूर्वांचल और तराई के इलाकों में हल्की बारिश से और बादलों के छाए होने से बढ़ते तापमान से तो राहत मिलेगी, लेकिन बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिले को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 12 जून से पहले पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून को पूर्वांचल के रास्ते प्रदेश में दाखिल होगा। उसके पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड पहुंचने में 24 घंटे का समय लगेगा। इन जिलों को अभी तक कोई राहत मिल पाई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवा शर्मा। तो शिवा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अपडेट सामने आ रहे हैं?
देखिए प्रिया, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस बात को बताया गया था कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और आज सुबह से ही लखनऊ सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश हुई है और तकरीबन 3 घंटे तक ये बारिश हुई है, जिससे आम जनमानस जो है वो थोड़ी व्यस्त जरूर रहा है। लोगों को रात की सांस इसलिए मिली है क्योंकि बीते 2 दिनों में लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में भीषण गर्मी के साथ साथ उमस भी हो रही थी और उसी को शायद राहत दी है, लेकिन इस बारिश ने कहीं ना कहीं इस बात को जता दिया है कि आने वाले समय में मानसून जो आने वाला है उस वक्त के पहले भीषण बारिश उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो सकती है। पूर्वांचल हिस्से की बात की जाए तो महाराजगंज, बलिया, गोरखपुर समेत कई जिलों में आज सुबह से ही तापमान जो है वो बहुत तेजी से लुढ़का है और उन जिलों में बारिश की जो संभावना थी जो बहुत तेज बताई जा रही है, हालांकि उतनी तेज नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग ने इस बात को कहा है कि तेज बारिश कहीं ना कहीं लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स को पहले से अलर्ट पर उत्तर प्रदेश के अंदर रखा गया है ताकि अगर आपदा किसी तरीके की आती है बारिश की वजह से तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स तैयार रहे। तो सुबह से ही कहीं ना कहीं बारिश ने जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो अपने कामकाज पर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो मुसीबत है वो थोड़ा सा बढ़ा दी है, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा खुल गया है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को सतर्क होकर रहना पड़ेगा ताकि अगर बारिश होती भी है तो उससे निपटा जा सके। यानी जो जो रेनकोट्स है, जो उनकी गाड़ियां हैं, जो फॉगलाइट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद उस बात को लेकर के उनको थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो मौसम विभाग है उनके क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं, कितने टाइम तक ये बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें कि लखनऊ में तेज बारिश होने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल और तराई के इलाके में हल्की बारिश से और बादलों के छाए होने से बढ़ते तापमान से तो राहत मिलेगी, लेकिन बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिले को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 12 जून से पहले पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून को पूर्वांचल के रास्ते प्रदेश में दाखिल होगा। उसके पश्चिमी और यूपी और बुंदेलखंड पहुंचने में 24 घंटे का समय लगेगा। इन जिलों को तभी राहत मिल पाएगी। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। आजमगढ़ के मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में शोक सभा आयोजित की गई, जहां मंडलायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना से मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी है और 2 मिनट का मौन रखा है। इस दौरान मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया हो, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करके खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि मास्क लगाएं और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि इस वैश्विक महामारी के संक्रमण के पुनः प्रसार की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया है। दरअसल थाना तालगंज क्षेत्र के गांव नगला कली में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी और शव को बोरे में बंद करके खाली प्लॉट में फेंक दिया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर एसएसपी मुनिराज ने बताया कि मृतक की हत्या उसी की पत्नी और उसके दोस्त ने मिलकर की थी, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल थाना ताजगंज पर सुबह लगभग 7:30 बजे पुलिस को एक सूचना मिला है, एक बोरी में एक डेड बॉडी मिली है। उस तरफ सूचना मिला है और एनआरए सिटी का काली प्लाट पर। उसके बाद पुलिस मौके पर गया है। मौके पर जाने के बाद वहाँ पे पूछताछ किया, आसपास लोगों से पता किया है। उसके बाद वहाँ पे जो पहचान करवाया हम लोगों ने, पहचान में पता चला है वहाँ से आसपास का एक पुष्पांजलि होम्स नगला कली का नाम है नरेश, उनका व्यक्तिगत पहचान हुआ। वहीं कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में बच्चे भले ही अपेक्षाकृत महफूज रहे हों, वायरस के स्वरूप में तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें तीसरी लहर से बचाने की तैयारियों में जुट गई है। एक ओर केंद्र सरकार जहां बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है, तो वहीं राज्य सरकारें बच्चों के लिए विशेष कोविड वार्ड को प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर रही है।
हालांकि विशेषज्ञ तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित नहीं होने का दावा कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी 58 मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में बच्चों के लिए 150 बिस्तरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। ये बिस्तर ऑक्सीजन समेत सभी जरूरी उपकरणों से लैस होंगे। अन्य राज्य भी इसी तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इसके अलावा अधिक से अधिक टीकाकरण कर तीसरी लहर को रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। इसके लिए केंद्र सरकार दिसंबर तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी देशवासियों को टीका लगाने की योजना पर काम कर रही है, परंतु बच्चों के लिए अभी देश में कोई टीका नहीं है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चे के माता पिता और अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शुरू कर दिया है ताकि बच्चों तक संक्रमण को पहुंचने से रोका जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, सोनभद्र में एक ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। घटना रेणुकूट थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मृतक विश्वकर्मा नगर रेणुकूट में रहता था, जिसकी ट्रक की चपेट में आकर मौत हो गई, जिससे परिजनों में का कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से कई लोगों की जान जाने के बाद कांग्रेसियों ने औरैया के एक गेस्ट हाउस में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और शराब बंदी कराए जाने की मांग की। इस दौरान जिला प्रभारी विकास अवस्थी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है। भाजपा सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है और इसके अलावा शराब माफिया ठेकों पर जहरीली शराब बेच रहे हैं। शराब से होने वाली मौतों पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर शराब बंदी नहीं हुई तो वो व्यापक आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रभारी मेनका गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अयोध्या कुमार लल्लू जी, ये उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़े पैमाने पर शराबों से हो रही, शराब पीने से हो रही मौतों का जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, जैसे अलीगढ़ या अन्य अन्य जगहों पर बहुत सारे लोग मौत के मुंह में समा गए, उसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जिन जिन लोगों की मौत हुई है उनको आर्थिक मदद देने के लिए और उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सोशल मीडिया के द्वारा, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं और प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और उस पूरे मामलों में जो मौतें अभी अलीगढ़ में हुई हो या आगरा में हुई हो कई और जनपदों में जो मौतें हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ आ रहा है। हम कांग्रेस जन लोग के लोग ये बता रहे हैं, साफ स्पष्ट कर रहे हैं बार बार, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नाम आ रहा है उनको गिरफ्तारी की जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो मौतें हुई हैं उनके परिजनों को जो आय के आधार पर या अन्य चीज़ों पर मुआवजा मजबूती से दिया जाए, उनके परिजनों को उस चीज़ से लाभान्वित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की और प्रशासन की गलत नीतियों के तरीके धड़ल्ले से लगातार 5 सालों से जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार बढ़ा है इस पर रुक करते अगली खबर की ओर। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में लिंटर डालने जा रही मशीन पलटने से करीब आधा दर्जन लोग मशीन में दब गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से निकाला गया, जिनमें से एक की मौत हो गई है। वहीं दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं औरैया की राज्यसभा सांसद गीता शाक ने 4 कार्यक्रमों में भाग लिया। हमीरपुर में राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान राशन डीलर को जैसे ही भनक लगी वह तुरंत फरार हो गया, जिसके बाद सांसद ने उस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद सांसद सीएससी एरवा कटरा पहुंची, वहां उन्होंने सीएससी की साफ सफाई और सुंदरीकरण देखा तो डॉक्टरों की काफी सराहना की। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आई गर्भवती महिला को फल दिए गए।
आज हमारे लिए बहुत ही पूरे अरवा कटरा ब्लॉक के जितने भी लोग हैं सबके लिए खुशी का पल है कि आदरणीय माननीय सांसद जी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। हालांकि सांसद जी द्वारा तो पूरा औरैया डिस्ट्रिक्ट ही गोद में लिया गया था और माननीय सांसद महोदया जी की पहल पे ही यहाँ पर हमारे यहाँ 35 कंसंट्रेटर जो आए हुए हैं जिनसे कि लोगों को ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें जो होती हैं उनको कंसंट्रेटर बोलते हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना के काल में माननीय सांसद जी के अथक प्रयासों से किसी को भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई, जबकि कई एक जगह सुनने में आया था कि भाई ऑक्सीजन दिक्कत है, लेकिन हमारे जनपद में इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना दवाइयों की दिक्कत हुई, क्योंकि सांसद जी हम लोगों की कोई भी समस्या होती है उसको जाके दिल्ली तक रख देती हैं इजली। तो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है और सांसद जी के आज यहाँ आने से आप लोग यकीन मानिएगा कि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार थी उसमें और तेज़ी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा में जोश है और जो 45 प्लस जो लोग हैं, जो लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं, वो जब देखेंगे कि इतने बड़े जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी तरफ ही जाएंगी और कहीं ना कहीं लोगों की जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वैक्सीनेशन को लेके वो पूर्णतया ख़त्म होंगी और वैक्सीनेशन का अच्छा माहौल बनेगा। देखिए, एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने उद्बोधन में कहा था कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि एक एक SC ST गोद ले। उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार मैंने अरवा कटरा का CSC अस्पताल गोद लिया। आज उसके साथ साथ भी मेरा आना हुआ था इस क्षेत्र में 3 जगह जो फ्री राशन सरकार दे रही है उन मजदूर यानी ज़रूरतमंद लोगों को, तो उसी में 3 जगह कार्यक्रम लगा था। पहला मेरा लगा था कवा में, तो वहाँ देखा डीलर सही बांट रहा था, सब ठीक से विधिवत काम चला। दूसरा लगा था समायन में, समायन में तो लंबी भीड़ थी, बड़ी पंचायत है, तो वहाँ भी ठीक बांट रहे थे। पूर्ण निर्धारित मेरे ये कल से ही कार्यक्रम लगे थे। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम लगा था हमीरपुर में, पहले से तय था लेकिन जाने के कुछ घंटा पहले डीलर वहाँ से शायद भाग गया। जब मैं पहुँची तो वहाँ कोई नहीं, कुछ लोग खड़े थे जो अपनी अपनी शिकायतें लेके भी पहुँचे थे। तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी की जांच करने आई। मेरा केवल उद्देश्य था कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बड़ी स्वच्छ और ईमानदारी के साथ देश और प्रदेश की जनता के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी प्रत्येक चिंता करने के लिए काम कर रहे, तो वो सही से काम धरातल पर हो रहा था। मेरा केवल ये उद्देश्य था, मुझे ये कभी नहीं लगा कि किसी को हरेसमेंट करें। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि डीलर ताला लगा के भाग गया है, तो मैंने वहाँ कहा भी अधिकारियों को, इसके देखिए अगर जो गलत हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा समय है कि कोई भी मजदूर काम नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन था, जनता कर्फ्यू था, पहले भी था, तो इसी को सब देखते हुए सरकार जब उन लोगों के लिए राशन दे रही है फ्री। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम TV।